नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान के दो फिजिकल डिविजन्स की बात करेंगे, जिन्हें हम पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार कहते हैं। सबसे पहले, जब हमें पठार और मैदान दो चीजें पढ़नी है, तो इस चित्र में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पर्वत, पठार और मैदान कैसे दिखते हैं। तो हमने पहले पिछले वीडियो में भी बात की थी कि पर्वत सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं और ऊपर से वो सकड़े होते हैं और उनका ढाल भी ज्यादा होता है, जैसे कुछ इस तरह से। पठार जो होते हैं वो इस तरह के दिखाई देते हैं, इनका कुछ हिस्सा तो थोड़ा ढाल होता है लेकिन ऊपर ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, समतल से होते हैं, तो उनको हम पठार की श्रेणी में रखते हैं। और मैदान बिल्कुल ही समतल है, जो कि मीन सी लेवल समुद्र तल से केवल 300 मीटर से नीचे ही होते हैं, यानी कि उससे ज्यादा उनकी ऊंचाई नहीं होती है। तो अभी हम पर्वत के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं, मैदान, थार के मैदान की हमने पहले बात की है, और एक मैदान आज हम पढ़ेंगे और एक पठार की और कुछ और छोटे छोटे पठारों की इसमें हम बात करेंगे। पहले हम पूर्वी मैदान की चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि अरावली पर्वत है, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में बात की, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ये इस तरह से फैली हुई है। अगर इस पर्वत को हम देखें तो ये राजस्थान को बराबर दो भागों में डिवाइड कर देती है। ऑलमोस्ट थोड़ा थार का डेजर्ट वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी हम कहें कि दो भागों में, इधर सिनारियो अलग है और इधर सिनारियो अलग है। इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई तो सिरोही में है, जैसा कि हमने गुरु शिखर और ये सारी बात की, बस इसका विस्तार सबसे ज्यादा उदयपुर में है। सबसे कम ऊंचा और सबसे पतला जो है वो अजमेर में यहाँ पर उसका पड़ता है, और देन वो दिल्ली तक फैला हुआ है। अब क्या होता है, इस पर्वत को अगर हम देखें तो ये बीच में है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान में दोनों तरफ स्लोप फिर इस तरफ होगा, और बीच में पर्वत है तो दोनों तरफ ढाल इस तरफ जाता ही है। उस हिसाब से हमने इस डेजर्ट वाले मैदानी हिस्से की पहले बात कर ली, अब हम इसकी बात करेंगे। तो ये जो अरावली है उसके पूर्व में स्थित होने की वजह से ये और इन दोनों को हम कहते हैं पूर्वी मैदान, और फिर उनको अलग अलग दो भागों में डिवाइड भी कर लिया जाता है। एक चंबल का मैदान या चंबल बनास का मैदान कहलाता है, जो कि ये वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ इस तरह से चंबल नदी बहती है और इधर से बनास नदी बहती है। तो इन दोनों नदियों और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उन्होंने मिलकर इस मैदान का निर्माण किया, इसलिए इसको चंबल का मैदान या चंबल बनास का मैदान भी कह सकते हैं। और ये जो राजस्थान है, ये वाला हिस्सा, ये राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग में है इस तरह से। दूसरा हम देखेंगे माही का मैदान, इसको हम दक्षिण का मैदान भी कहते हैं, और ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुछ हिस्सा इसका, प्रतापगढ़ वगैरह में, तो इसको हम दक्षिण का मैदान कहते हैं। तो ये पूरा पूर्वी जो मैदान है वो दो भागों में बटा हुआ है, या तो हम कहें चंबल बनास का मैदान और माही का मैदान, या हम डायरेक्शन के हिसाब से कहें पूर्वी उत्तरी पूर्वी मैदान और दक्षिणी मैदान। तो इस तरह से दो टुकड़ों में बटा हुआ है। पहले हम चंबल के मैदान की बात करेंगे। ये जो चंबल का मैदान है वो यहाँ पर स्थित है, इस तरह से राजस्थान का पूरा हिस्सा। ये सबसे उपजाऊ मैदान है राजस्थान का, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी वहां पर बिछी हुई है, समतल है। और अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जनघनत्व जो मिलता है वो इन्हीं जिलों में देखने को मिलता है। अगर हम राजस्थान के जिलों का जनघनत्व के डेटा देखेंगे तो जयपुर, अलवर, भरतपुर ये ज्यादा डेंसिटी रखते हैं। तो इसका रीजन यही है कि ये मैदान है पूरा। और ये अब हम इस पूरे मैदान को देखेंगे तो ये पूरा मैदान गंगा यमुना मैदान का हिस्सा है, ये बात ध्यान रखिएगा, उसका एक पार्ट है, उसका एक पोर्शन है। इसी तरह से इसका स्लोप देखेंगे तो वो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका स्लोप जाता है। जैसे ये किस तरह से है, यहाँ पर देखिए आप, ये अरावली और ये मैदान है, और इस मैदान को अगर हम देखेंगे तो ये चंबल या बनास का मैदान और ये माही का मैदान है। अब इसका जो ढाल है वो इस तरफ है ऐसे, तो ये जो ढाल है आगे जाके किसका, एक गंगा के मैदान का हिस्सा बनता है, इसलिए इसका जो फॉर्मेशन है वो गंगा के मैदान के साथ हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये सबसे नवीन भूभाग भी राजस्थान का माना जा सकता है, क्योंकि ये तो हिमालय के उत्थान के भी बाद में गंगा का मैदान बना है, ऐसा हम मानते हैं। दूसरा ये वाला जो है उसको हम माही का मैदान कहते हैं। और अब हम दोनों तरफ, क्योंकि बीच में अरावली है, तो राजस्थान का ये स्लोप इस तरफ जाता है और ये स्लोप इस तरफ आता है, और जो नदियां यहाँ बहती है वो सारी इसी डायरेक्शन में बहती है। आगे हम नदियों के चैप्टर पर भी चर्चा करेंगे। ये जो रीजन है, इसमें कुछ छोटे छोटे सांस्कृतिक प्रदेश हैं, जैसे मेवात, ये अलवर और भरतपुर का उत्तर वाला हिस्सा, क्योंकि हरियाणा का ये वाला जो हिस्सा उसको मेवात कहते हैं, वहाँ मेव एक कम्युनिटी है, उसके नाम पर ये शब्द पड़ा है। ब्रज, भरतपुर और धौलपुर का ये कुछ हिस्सा है जो यूपी से जुड़ा हुआ है, ब्रज बोली बोली जाती है। ढूंढाड़, जयपुर और दौसा वाला कुछ हिस्सा, जिसमें वो ढूंढ नदी भी वहां पर है और ढूंढाड़ी भाषा भी वहां बोली जाती है, ये कुछ कल्चरल रीजन है यहाँ। अब हम अगर दक्षिण के मैदान की बात करें तो ये माही का मैदान है,
और इस मैदान को हम दक्षिण का मैदान, माही का मैदान या छप्पन का मैदान भी कहते हैं, छप्पन का मैदान। और ये जो छप्पन शब्द है उसको लेकर वैसे तो काफी कंट्रोवर्सी है, पर लोग ऐसा कुछ कहते हैं कि 56 गांव हैं उनके समूहों के आधार पर पड़ा है, कुछ कहते हैं कि 56 नदी नाले यहाँ से गुजरते हैं उस हिसाब से ये 56 का मैदान पड़ा है। तो काफी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं यहाँ पे। तो कुछ ये भी कहते हैं कि जो राठौड़ राजपूत कम्युनिटी है वो यहाँ से डिस्पर्स होके जिन 56 गांवों में बसे वो उन 56 गांवों के समूह को 56 कहते हैं, ये भी एक किंवदंती यहाँ पर है। खैर जो भी हो, लेकिन इस पूरे रीजन को हम 56 का मैदान या दक्षिण का मैदान कहते हैं। जो ज्यादातर हिस्सा इनका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में पड़ता है, थोड़ा डूंगरपुर में भी हिस्सा पड़ता है, मतलब थोड़ा ज्यादातर हिस्सा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, थोड़ा प्रतापगढ़ में भी पड़ता है, इन तीनों जिलों में। पर्टिकुलरली कल्चरल आइडेंटिटी के हिसाब से हम देखें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन दोनों को वागड़ कहा जाता है, और वागड़ी बोली बोली जाती है जो कि गुजराती और इधर मालवी और मेवाड़ी इन तीनों का मिक्सअप है। प्रतापगढ़ को कांठल भी कहा जाता है, ये यहाँ के कल्चरल रीजन है। बाकी थोड़ी सी लाल काली सी मिट्टी यहाँ पर है इस पूरे मैदान के अंदर, और माही नदी यहाँ से गुजरती है। अब हम अगले फिजिकल डिवीजन पर चर्चा करते हैं, वह हाड़ौती का पठार, या हम इसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी पठार। हम बात कर रहे हैं इस रीजन की। अब ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम हाड़ौती का पठार, क्योंकि पुराने जमाने में हाड़ा वंश के जो शासक थे उनका शासन था, तो उनके नाम से हाड़ौती का पठार, या दिशा के हिसाब से हम दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, मूलतः इन चार जिलों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें, और मोटे तौर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में भारत स्तर पर यहाँ मालवा का पठार है, तो ये उसी का हिस्सा एक माना जाता है, उसी का पार्ट है। तो इसको हम कहते हैं कि मालवा के पठार का एक भाग है। कुछ कुछ हिस्सा मालवा के पठार का इधर चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में यहाँ भी फैला हुआ है इस तरह से, लेकिन हाड़ौती इस तरफ है। काली मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में सबसे ज्यादा, जो ब्लैक सॉइल है वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ कुछ अफीम की खेती और कपास और इन सब चीजों के लिए आदर्श कंडीशंस मौजूद है। औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई हर जगह अलग अलग है वैसे, लेकिन हम मान सकते हैं लगभग 500 मीटर के आसपास ये इसकी हाइट है। कुछ चर्चित पहाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें हम मुकुंदरा हिल से मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कह सकते हैं, बूंदी पहाड़ियां हम कह सकते हैं, ये इसकी चर्चित पहाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। एक यहाँ सबसे खास बात है, हॉर्स शू टाइप हिल्स है 12 जिले के अंदर। हॉर्स शू का मतलब होता है घोड़े की नाल, आपने देखा होगा घोड़े के पाँव में इस तरह की नाल पहनाई जाती है, उसको घोड़े की नाल कहते हैं। तो ये उसी आकार की पहाड़ियां हैं जिसको हम हॉर्स शू टाइप हिल्स कहते हैं 12 जिले में। अगर इसको देखेंगे तो ये इस तरह से बना हुआ है देखिए, और इसका जो निर्माण है वो हम ये मानते हैं कि कोई पुराने जमाने में कोई एक आकाशीय पिंड आके यहाँ टकराया है, तो वो टकराने से वो गड्ढा बन गया है, और जो टकराने से जो मिट्टी उड़ी वो सारी साइड में जमकर ये इस तरह का एक क्रेटर बन गया है। तो आप देखिए कितना ऊंचा है, 200 मीटर की हाइट होगी, ये वॉल बन गई है और बीच में वो गड्ढा बन गया है, और यहाँ इसका मुंह खुला हुआ है, तो वो घोड़े की नाल जैसा ही शेप बन जाता है इसका, इसलिए हम इसको हॉर्स शू कहते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वही हमें कह रहा हूँ, कोई उल्का आके इससे टकराई है लगभग 75,000 वर्ष पहले। हालांकि टाइम को लेके बहुत कंट्रोवर्सी रहती है कि कब बना था, लेकिन मोटा मोटा अनुमान है लगभग 3.2 किलोमीटर डायमीटर है इसका, और 200 मीटर इसकी हाइट है। इसकी खोज की है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1859-69 के अंदर, और 1960 में लगभग 100 साल बाद ही हम मान लें, 90 साल बाद, इस क्रेटर को जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने रिकॉग्नाइज किया, इसको पहचान दी। और उसके बाद अभी मार्च 2022 में इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं दुनिया में उनका इनका रिकॉर्ड रखने वाली एक संस्था है जिसका नाम है अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा, तो उसने इसको मार्च 2022 में रिकॉग्नाइज किया है, इसको पहचान दी, और दुनिया में ऐसे 200 इंपैक्ट हमने अब तक पहचान लिए, और संयोग से इसका जो नंबर है वो 200वां 200वां नंबर है, ये अभी 200वें नंबर पर वहां पर है। इंडिया में ऐसे तीन हैं जिसमें, और राजस्थान का ये पहला है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो एक महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में लोनार झील है, और एक मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ढाला क्रेटर है, तो ये भी इसी तरह के उदाहरण इंडिया में मिलते हैं, और ये थर्ड एग्जाम्पल इसका माना जाता है, राजस्थान में पहला। अब हम राजस्थान के कुछ और प्लेटू जो है उनकी बात करते हैं, तो अन्य पठारों में सबसे पहले नाम ओडिया का पठार का आता है, ये 1360 मीटर ऊंचा है, यानी कि ये सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, यह माउंट आबू के बिल्कुल करीब।
दूसरा भोराट का पठार आता है, ये 1225 मीटर लगभग ऊंचा है, ये कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा के बीच में, यहाँ उदयपुर में कुंभलगढ़ है, इधर गोगुंदा है, इनके बीच में इस तरह का एक पठार है जो ऊंचा उठा हुआ फ्लैट एरिया है। तीसरा आबू का पठार, ये भी लगभग 1200 मीटर हाइट है, यहीं पर है, दोनों पास पास ही है, ओडिया और आबू दोनों। चौथा मैसा का पठार है, ये 620 मीटर के आसपास लगभग ऊंचा है, चित्तौड़गढ़ जिले में, और चित्तौड़ का जो किला बना हुआ है वो इसी पठार पर बना हुआ है। उपरमाल का जो पठार है वो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में है, यहाँ ये भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर उसके बीच में इस तरह का फ्लैट एरिया है। अगला लसाड़िया का पठार है, जो कि जयसमंद जो उदयपुर जिले में झील है वहां से प्रतापगढ़ के बीच में ये इस तरह से फैला हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और पठार है, छोटे मोटे पठार और भी बहुत सारे हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन ये मेजर है। अब मैं आपको यहाँ बोराट के पठार की लोकेशन बता रहा हूँ, सेटेलाइट इमेज देखिए, ये गोगुंदा है, ये कुंभलगढ़ है। अभी देखिए किस तरह का ये पठार है, और निकटवर्ती एरिया से ऊंचा उठा हुआ है और ऊपर से थोड़ा समतल फ्लैट है, गोगुंडा से कुंभलगढ़ तक बोराट। ये देखिए ओडिया का पठार, ये सबसे ऊंचा, और ये आबू पठार है, यहाँ पर आप देखें ओडिया या उड़िया भी कहते हैं, और ये आबू का पठार, दोनों, तो ये माउंट आबू और ये ओडिया का पठार। अगर इसको हम तीनों चीजों को एक साथ देखने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए ये गुरुशिखर है, ये उड़िया का पठार है, और ये माउंट आबू जिसको आबू पर्वत या आबू का पठार भी हम कहते हैं। तीनों क्रमशः अगर नॉर्थ से शुरू करें तो नॉर्थ में गुरुशिखर, उसके बाद बीच में उड़िया का पठार, और उसके बाद साउथ में ये आबू पठार स्थित है, ये तीनों, एक दो और तीन। माउंट आबू को थोड़ा और ध्यान से देखें, जो आबू पर्वत है तो आप देख सकते हैं ये निकटवर्ती क्षेत्र से ऊपर उठा और ऊपर समतल है पूरा, यहाँ पर देखिए ये नक्की झील है यहाँ। और अगर हम यहाँ बात करें, ये वाला जो निशान मैंने लगाया वहां पर एक इस तरह की चट्टान है जिसको हम टॉड रॉक कहते हैं, इस तरह की चट्टान है माउंट आबू में भरी पड़ी है, आप देखेंगे तो हर जगह आपको इस तरह की चट्टानें मिलेगी। इस चट्टान को बिल्कुल नक्की झील के किनारे पर ही है, ऐसा लगता है कि कोई मेढक उछल के पानी में कूदने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए उसको टॉड कहते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो कर्नल जेम्स टॉड के नाम पे इसका नाम टॉड रॉक रखा है, पर जो भी हो, खैर जानवरों के साथ इसका तालमेल ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर कई सारी और चट्टानें भी हैं, जैसे ऊंट जैसे दिखती है एक चट्टान, कैमल रॉक कहते हैं, नंदी जैसी है तो नंदी रॉक कहा जाता है, एक महिला जैसी है उसको नन रॉक भी कहते हैं, तो जीवों से इसका कंपेरिजन ज्यादा ठीक लगता है, तो वो मेढक से इसको कंपेयर करके देखते हैं। और ये नक्की झील उसके बिल्कुल करीब, दिखने में ये माउंट आबू कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर शहर है, हरियाली से भरा हुआ। मैसा का जो पठार मैं आपको बता रहा था कि चित्तौड़ का किला इसके ऊपर है, ये देखिए ये पूरा चित्तौड़ का किला ऊपर से कैसे फ्लैट है, बिल्कुल समतल है, और यहाँ ये ढाल है सारा, देखिए दोनों तरफ, इधर भी खाई है इधर भी खाई है, और ये वो दोनों नदियां गंभीरी और बेड़स यहाँ आके मिलती है चित्तौड़ के किले के पास में ही, और यहीं पर ये चित्तौड़ बसा हुआ है पूरा, और ये पूरा वो फ्लैट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह का किला है, ढाल देखिए आप, ये वाले जो ढाल है वो बिल्कुल स्ट्रेट ढाल है, और उसके ऊपर ही पूरा फोर्ट बना हुआ है बिल्कुल यहाँ इस तरह से, तो ये मैसा का पठार है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके रेफरेंस में। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? हाड़ौती का पठार राजस्थान के किन जिलों में स्थित है? घोड़े की नाल आकार की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? भोराट के पठार का विस्तार किन जिलों में है? चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? मैसूरगढ़ एवं बिजोलिया के बीच स्थित पठार को क्या कहा जाता है? राजस्थान में सबसे ऊंचे पठार का नाम बताइए। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस भौतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप इन सवालों के आंसर दीजिए और अपने आसपास पेड़ों और प्रकृति की सुरक्षा कीजिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये चंबल नदी का मैप है हाड़ौती के अंदर, और इस तरह का वो हाड़ौती का पठार है बिल्कुल फ्लैट ऊपर से आप देख सकते हैं। थैंक यू, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।